Hey guys, welcome to the new video. मेरा नाम है अंकित और आज डेढ़ महीने बाद मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम में से हर एक कार ओनर लगभग रोज ही फेस करता है और ये प्रॉब्लम है डस्ट की। जी हाँ, आप चाहे अपनी कार को वॉश कर लें या फिर आप उसको कवर में रखें, उसके बाद भी कार पर डस्ट सेटल होने की जो प्रॉब्लम है वो हमें फेस करनी पड़ती है और इस तरीके से कुछ हमें जो डस्ट लेयर है अपनी कार पर देखने को मिलती है। तो गाइस, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपकी कार पर जमी डस्ट को आप केवल 2 मिनट में बड़े आसानी से क्लीन कर सकते हैं और कुछ इस तरीके। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको हमेशा क्वालिटी वीडियोस मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो गाइज, ये है जोपासु कार डस्टर। मैंने आज तक कई सारे कार केयर प्रोडक्ट यूज़ किए, लेकिन गाइज यकीन मानिए, आज तक मैंने जितने भी कार केयर प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उसमें अगर मेरा कोई फेवरेट प्रोडक्ट है तो वो है जोपासु कार डस्टर। गाइज, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ करना बनता है। इस डस्टर की एक और अच्छी बात यह है कि ये प्राउडली मेड इन इंडिया है, तो अगर वीडियो देखने के बाद आपको ये डस्टर पसंद आता है तो आप इसे बेझिझक अपनी कार के लिए खरीद सकते हैं और अपनी बाइक और चाइना वाली सेंटीमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इस डस्टर की प्राइसिंग की तो इसके पैकेज पर MRP मेंशनड है 739 रुपीज, लेकिन इससे काफी सस्ते दाम में आपको ये Amazon पर मिल जाता है। गाइस, हो सकता है आपको इस डस्टर की जो प्राइसिंग है वो अभी थोड़ी ज्यादा लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे तो आपको यकीन हो जाए कि ये कितना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और अगर आप Amazon पर भी चेक करेंगे तो वहां पर भी इस डस्टर पर आपको बहुत ही अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स देखने को मिलेंगी। तो गाइस, कुछ इस तरीके का डस्टर आपको ये देखने को मिलता है। बताने के लिए इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तो नहीं है, लेकिन कुछ एक की पॉइंट्स जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इसके जो कॉटन स्ट्रैंड्स हैं वो 100% वैक्स ट्रीटेड है। साथ ही साथ जितना ये गंदा होता है उतना ही अच्छा वर्क करता है, इसको भी हम आगे टेस्ट करेंगे। इस डस्टर का यूज आप कार के एक्सटीरियर को क्लीन करने के साथ साथ कार के इंटीरियर से भी डस्ट हटाने के लिए कर सकते हैं। ये इसका जो हेड है वो रिमूवेबल है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर निकाल कर अच्छे से वॉश कर सकते हैं, या फिर जब आपका ये डस्टर बिल्कुल ही खराब हो जाए तब आप केवल एक नया हेड खरीद कर इसको वापस से नए जैसा बना सकते हैं। इसको यूज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो भी काफी सिंपल हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चल के देखते हैं अपनी कार पर इसको यूज करके और देखते हैं कि इस डस्टर की जो हाइप है वो कितनी रियल है। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 किलो डस्ट जो है वो मेरी कार के रूफ पर जम गई है, और अब हम इसे क्लीन करके देखते हैं कि ये डस्टर कैसा काम करता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डस्टर एक ही वाइप में कितनी सही तरीके से इसने धूल को हटा दिया है और रूफ पर जमी डस्ट लेयर को एकदम स्क्वीकी क्लीन कर दिया है। और अब मैं एक क्विक वाइप से डस्ट और क्लीन वाले पार्ट को ठीक तरीके से सेपरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो डस्टर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो एकदम क्लीन हो गया है, और जो राइट साइड वाले पार्ट पर आप देख सकते हैं कितनी भी धूल अभी भी जमी हुई है। मेरी कार की रूफ की ही तरह मेरी कार के हुड पर भी वैसी ही डस्ट लेयर जमी हुई है। मैं आपको इसको भी क्लीन करके दिखाता हूँ। गाइज, इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हैं, आपको केवल इस डस्टर को सरफेस पर मूव करना होता है और ये इंस्टेंटली डस्ट को पिक कर लेता है और डस्ट को बिल्कुल एक्सेप्शनल तरीके से क्लीन करता है। इस डस्टर को यूज़ करने के लिए आपको हमेशा टॉप टू बॉटम इसको यूज़ करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको कार की रूफ़ क्लीन करनी है, उसके बाद विंड स्क्रीन और साइड ग्लासेस क्लीन करने हैं, और जब भी आप इसको क्लीन करें थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको शेक करना होता है जिससे जो डस्ट इसने पिक की है वो नीचे झड़ जाए और ये डस्टर एफिशिएंटली पूरी कार के लिए वर्क करता रहे। इस डस्टर का जो हैंडल है वो भी काफ़ी लंबा है, इसलिए हम एक ही साइड खड़े होकर पूरी विंड स्क्रीन को क्लीन कर सकते हैं और बड़े आराम से ये विंड स्क्रीन को बिना स्क्रैच के क्लीन कर देता है। और गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 2 मिनट की क्लीनिंग में इस जोपासु कार डस्टर ने कितने अच्छे तरीके से मेरी कार को क्लीन किया है, और अब पूरी कार की सरफेस पर से डस्ट एकदम गायब हो गई है। यकीन मानिए, इस डस्टर ने मेरी लाइफ बहुत ही आसान कर दी है और इस डस्ट की प्रॉब्लम जो थी वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर दी है। इस डस्टर का यूज आप अपने कार के इंटीरियर से भी डस्ट को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं। ये डस्टर जो है वो काफी स्लिम है, इसलिए ये कार के डैशबोर्ड और विंड स्क्रीन के बीच में जो सकरी जगह होती है उसमें भी बड़े आराम से धूल को हटाने में काम में आता है। और इस डस्टर की ये जो स्ट्रैंड्स है ये काफी लंबे हैं, इसलिए ये कार के इंटीरियर के कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में से भी बड़े अच्छे तरीके से डस्ट को पिक कर लेता है, और डस्ट क्लीनिंग में ये माइक्रोफाइबर टॉवल से भी अच्छा काम करता है।
तो गाइस वैसे तो इस डस्टर ने कार पर से डस्ट हटाने में मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है और इसने इंटीरियर और एक्सटीरियर को बड़े अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। लेकिन कुछ एक कमियां हैं जो मैं आपको इस डस्टर की बता देता हूं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं डोर हैंडल के पीछे वाले एरिया से डस्ट अभी ठीक से क्लीन नहीं हुई है, क्योंकि ये डस्टर जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। और ऐसे में ऐसी जगहों पर हमें क्लीन करने के लिए एक माइक्रोफाइबर टॉवल का ही यूज़ करना होता है। तो इस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, तो ये एक कमी है। और साथ ही साथ इस तरीके के जो स्टेन्स होते हैं उनको ये डस्टर क्लीन नहीं कर पाता है। ये जो स्टेन्स हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए इस स्टेन को हटाने के लिए हमें कार को प्रॉपर वॉश करना होता है। और अगर आपकी कार पर कीचड़ वगैरह है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको केवल इस हिस्से तक ही यूज़ करें, इसके नीचे यूज़ ना करें, क्योंकि अगर ये कीचड़ की जो धूल है वो इसमें लग जाएगी तो हो सकता है आपकी कार के पेंट पर स्क्रैचेस आ जाएं। और बाकी इसके अलावा ये डस्टर मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा है। आपको इसको सिंपली यूज़ करने के बाद शेक करके इसके साथ आए हुए कैरी केस में रख देना है और इसकी जिप लगा के कार के ट्रंक में बड़े आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसको यूज़ कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको इस डस्टर की एक बोनस क्लिप दिखाना चाहता हूँ। मुझे इस डस्टर को अब यूज़ करते करते लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो डस्टर है उसके स्ट्रैंड्स काफ़ी गंदे हो गए हैं और मैंने अभी तक इसको एक भी बार वॉश नहीं किया है। और आप देख सकते हैं कि ये डस्टर काफ़ी गंदा होने के बाद भी बहुत अच्छे से काम करता रहता है। और यहाँ पर मैंने लगभग 3 मिनट में अपनी कार को 2 बार डस्ट फ्री कर लिया है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा है या फिर आपने भी इस डस्टर को कभी यूज़ किया है अगर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ड्राइव सेफ।